एमपी में चुनावी साल में लगातार बयानों के तीर पर तीर चल रहे हैं और इस बीच अरुण यादव के एक बयान पर मच गया है बवाल। अरुण यादव ने दरअसल पीएम मोदी पर टिप्पणी की जिसे लेकर बीजेपी हो गई हमलावर। देखिए रिपोर्ट। मोदी जी के पिताजी भी आना चाहे तो आ सकते हैं। एमपी में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं बयानों की तलखी भी बढ़ती जा रही है, लेकिन सियासी हमलों के चक्कर में नेता शब्दों की मर्यादा भी भूले जाते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का ये बयान कुछ ऐसा ही है। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह आरएसएस की तुलना रावण से कर चुके हैं। अरुण यादव इनसे भी एक कदम आगे निकल गए और पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दे दिया। अरुण यादव प्रधानमंत्री के एमपी दौरे पर निशाना साध रहे थे। इस दौरान बीजेपी की चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में बदलाव की बयार है, चुनाव प्रचार के लिए मोदी आ जाएं या उनके ऊपर के नेता, मोदी जी के पिताजी भी आना चाहें तो वो भी आ सकते हैं, चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मोदी जी आ जाए और उनके ऊपर कोई हो वो भी आ जाए, नड्डा जी आ ही रहे हैं, चल ही रहा है, मोदी जी के पिताजी भी आना चाहे तो आ सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बदलाव की बयार है जो इस पर हमें नजर आती है। इधर पीएम मोदी के पिता पर टिप्पणी करने पर सीएम शिवराज ने अरुण यादव पर हमला बोला है। सीएम ने ट्वीट किया कि अरुण यादव द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय पिताजी पर जो अभद्र टिप्पणी की गई है वो उनकी स्तरहीन मानसिकता का प्रतीक है, यही कांग्रेसी कल्चर, इनकी मोहब्बत की दुकान है। अरुण यादव के बयान पर सियासी माहौल गर्मा गया, बीजेपी हमलावर है। प्रदेश अध्यक्ष ने बयान को देश की जनता का अपमान बताया और माफी की मांग की। उधर मंत्री भूपेंद्र सिंह बोले ये कांग्रेस पार्टी के संस्कार हैं, कांग्रेस की हताशा है जो सामने आ रही है। अरुण यादव जी ने जिस प्रकार के ओछी शब्दावली का जो उपयोग किया है, अरुण जी आज मैं कहना चाहता हूं कि आपके स्वर्गीय पिता सुभाष यादव जी भी बड़े मन से दुखी होंगे कि मैंने तो ये संस्कार अरुण को नहीं दिए थे, लेकिन ये देश के दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के स्वर्गीय पिताजी के लिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना ये कहां से सीखे। नहीं, यही संस्कार है उनके कि जो दुनिया में नहीं है उनकी माताजी के बारे में कई बार कहा, पिताजी के बारे में आज फिर कांग्रेस ने अरुण यादव जी ने कहा, और ये कई बार किस तरह की बातें मोदी जी के बारे में की हैं कांग्रेस ने, और ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस जो है वो कांग्रेस में ना संस्कार है ना संस्कृति है, और इस कारण से इस तरह की बातें कांग्रेस के लोग करते हैं। बयान पर बवाल मचा तो अरुण यादव फिर सामने आए। हालांकि अपने बयान पर ना तो उन्होंने खेद जताया न माफी मांगी, बोले मैंने गलत क्या कहा, मोदी जी को आना है तो आए। मैंने कहा कि भाई मोदी जी तो हर महीने आते हैं यहाँ पर, और नड्डा जी भी आते हैं, यहाँ नड्डा जी भी यहाँ पर आते हैं, उनके अन्य नेता लोग भी यहाँ पर आते हैं, तो मैंने क्या गलत कहा है। मैंने यही कहा कि मोदी जी तो कई बार आ चुके, मोदी जी ने तो 18 सभाएं 20-20 तो सभाएं कर्नाटक में भी ली थी, उनका स्वागत है, आए यहाँ पर, हमका मना कर रहे हैं उनको आने से। पीएम मोदी पर निजी टिप्पणियां कर पहले भी कई नेता फंस चुके हैं। अरुण यादव भी अपने बयान पर घिरते नजर आ रहे हैं। चुनावी साल में बीजेपी कांग्रेस के संस्कार पर सवाल उठा रही है, इस बयान को बड़ा मुद्दा बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।